घर से लेके गए थे ना, इसको दर्दें लगी थी, अल्ट्रासाउंड किया है, इसने कहा इसकी हर्निया ऊपर आई हुई है। इसको पता था कि हर्निया ऊपर आई है, इसे केस नहीं संभाला जाना। रेंट पे बुलाती है एक डॉक्टर को, पे करके 5 मिनट के वो एनेस्थीसिया देता है या एक कट लगाता है, उसके बाद फौरन वो चला जाता है। एकदम वो परेशान बाहर निकली है फौरन से ना शमसा, हम खुद डर गए थे जिस तरीके से वो बाहर निकली थी ना, डरी सहमी हुई जिस तरह बाहर निकली थी, हम खुद डर गए थे। हमने उसे कहा, हमने कहा ब्लड की जरूरत है किसी चीज, कहती ला आप लोग ब्लड लेके आए। जो डॉक्टर था वो अंदर से बड़ी तेजी से बाहर निकल गया, उसी वक्त ही भागी ये बाहर आई है, इसने एम्बुलेंस को कॉल करने शुरू कर दिया। उस टाइम हालांकि उसकी जान चली गई हुई थी, वो एम्बुलेंस इस काबिल नहीं थी कि उसके अंदर किसी मरीज को बैठा के लेके जाया जा सके, उसके अंदर किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं था उस एम्बुलेंस, वो एक कैरी डब्बा टाइप था। जब हम हॉस्पिटल गए हैं तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये खत्म हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। लियाकताबाद थाने की हदूद में एक क्लिनिक है जिसका नाम है शमसा क्लिनिक। इस क्लिनिक पर कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद नहीं है। लोकल लोगों को और कुछ नर्सों को, जिनको कहा जाता है कि ये नर्से हैं, उनको यहाँ पर हायर कर रखा है। जो पेशेंट यहाँ पर आता है चेकअप के लिए, उस पेशेंट को ये कहा जाता है कि आपकी जो मरीज है, जो पेशेंट है, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसको फौरन ऑपरेशन की ज़रूरत है। ऑपरेशन के एवज उनको डरा धमका कर फौरन से पैसों की डिमांड की जाती है कि जल्दी से ब्लड का इंतज़ाम करें, जल्दी से पैसों का इंतज़ाम करें, आपकी जो खातून है इसका ऑपरेशन अशद बहुत दरकार है, बहुत ज़रूरी है। फैमिली को डरा धमका के फौरन से ऑपरेशन के लिए अंदर लेकर जाया जाता है। जब अंदर ले जाते हैं तो फिर बहुत से केसेस सामने आए। एक केस ऐसा है जिसमें पिंकी नामी लड़की, जिसको अल्लाह ताला ने तीसरी मर्तबा उसके घर पर रहमत की, बेटी पैदा हुई, लेकर गए अंदर और फौरन बाहर शमसा घबरा कर आई और आकर ये कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया है, फौरन से हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। कैरी डिब्बे को कॉल करके बुलाया, जो कि एम्बुलेंस भी नहीं था, हॉस्पिटल लेकर गए। ये बात मैं आपको सुना रही हूँ 2022 की। हॉस्पिटल लेकर गए, चेकअप करवाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो डेड हो चुकी है, इसकी मेन नस को काट दिया गया है, जो कि जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप 15 को कॉल करें और पुलिस को बुलाएं, ये सरेआम किसी को कत्ल करने वाली बात है, किसी की जान लेने वाली बात है। पुलिस को बुलाया गया। बदकिस्मती से 2022 के जो SHO साहब थे उनके ऊपर रिश्वत सवार थी। उन्होंने बजाय इंसाफ दिलाने के, मुदई फैमिली, वो लोग जो इसमें प्रॉब्लम में थे, इशू में थे, जिनकी लड़की जान से हाथ धो बैठी, उनको थाने में सारी रात ख्वार किया गया। सेम केस 2024 में दोबारा से पेश आया, इसी महीने में, जिसमें इसी तरह से एक और लड़की को चेकअप के लिए लाया गया। शमसा ने कहा कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, अंदर लेकर गई, वो खड़ाकर बाहर आई और कहा कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। 40,000 रुपये एडवांस में लिए भी गए। पुलिस तक जब यह खबर पहुंची, SHO साहब जो कि लियाकताबाद में तायुनात है, इमरान इनका नाम है, इन तक जब यह खबर पहुंची तो ये फौरन हरकत में आए। इन्होंने अपने काम का आगाज़ किया और मुलजिमा को और इनकी टीम को फौरन से गिरफ्तार किया। यही काम 2022 में अगर हो जाता तो एक और लड़की की जान ना जाती। आइए चलते हैं उस फैमिली के पास और आपकी बात करवाते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है निम्रा की सिस्टर। निम्रा इस दुनिया से चले गई बच्चे को जन्म देते हुए, क्या कहानी है, पुलिस ने क्या कोऑपरेट किया, डॉक्टर्स ने क्या कोऑपरेट किया और इनको इंसाफ मिला या नहीं मिला, ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सोबिया भट्ट। सोबिया जी। सोबिया माशाल्लाह मैरिड है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और निम्रा की शादी को कितना अरसा हुआ था? मेरी और उसकी शादी इकट्ठे हुई थी, 11वां साल है। इकट्ठे हुई थी? हाँ जी, इकट्ठे एक ही दिन हुई थी, इकट्ठे हुई थी शादी। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि निम्रा के कितने बच्चे थे? उसके 2 बेटे थे और जब उसकी डेथ हुई है तब उसके घर बेटी हुई थी। पैदा हुई थी बेटी? हाँ जी, बेटी पैदा हुई। अच्छा, थी। क्या मामला क्या बनाया था? बच्चे पैदा होते हैं तो खुशियों का समा होता है घर में, अपनी अपनी जायरा हैसियत के मुताबिक लोग जश्न मनाते हैं, तो निम्रा के साथ क्या हो गया कि बात थाने पहुँच गई? ऐसा हुआ था कि जब हम उसे घर से लेके गए थे ना, इसको दर्दें लगी थी, लेकिन इसके पहले सी सेक्शन हो चुके हुए थे। बेटों की दफा सी सेक्शन हो चुके हुए थे। हाँ जी। अच्छा, हम इसे लेके गए हैं तो इसने कहा कि जी अल्ट्रासाउंड किया है, इसने कहा इसकी हर्निया ऊपर आई हुई है। इसको पता था कि हर्निया ऊपर आई है, इसे केस नहीं संभाला जाना।
लेकिन इसने फिर भी उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गई। कौन सा क्लिनिक है ये? शमसा क्लिनिक। ये कहाँ पर है? ये अकबर शहीद रोड पे है। अकबर शहीद रोड, अकबर शहीद कोट लखपत रोड। अच्छा, कोट लखपत रोड जी, वहाँ पर है ये शमसा। डॉक्टर है ये? खुद डॉक्टर नहीं है, लेकिन इनके साथ एक वो मतलब जिसे कहते हैं रेंट पे बुलाती हैं एक डॉक्टर को, पे करके 5 मिनट के वो एनेस्थीसिया देता है या एक कट लगाता है, उसके बाद फौरन वो चला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये होती है और इसका बेटा होता है, वो बाकी सारा देखते हैं ऑपरेशन मिलके खुद ही करते हैं ऑपरेशन। हाँ जी, सीजेरियन करते हैं। तो कितना चार्जेस क्या? चार्जेस जो हमने खुद मैंने अपने हाथ से जो उसे पे किए थे वो मैंने 25,000 मैंने उसे पे किए थे ऑपरेशन के, जो हमने 12,000 हमने भी स्कोर देना था, लेकिन वो हमने देना था इसको। हमारी ये बात हुई थी कि हम ऑपरेशन के बाद आपको पकड़ा देंगे। ठीक है, ठीक है। उस टाइम हमारे पास 25 था, हमने 25 ही दे दिया। ठीक है, ठीक है। 12 रह गया था, फिर हमने वो अभी नहीं था दिया उसको ना। अच्छा, तो उस टाइम हमने एकदम जब वो अंदर गई है पिंकी को, जब वो लेके गए, मेरी बहन का निकनेम पिंकी था। अच्छा, ठीक है। उसको जब अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, तो एकदम वो परेशान बाहर निकली है फौरन से ना शमसा। अच्छा, एकदम अंदर से बाहर निकली, तो हम सब बाहर खड़े थे, मैं, शहीन, इसका हस्बैंड, मेरी दूसरी बहनें, मेरे हस्बैंड, हम सब बाहर खड़े थे। हमने से पूछा क्या मसला है, हम खुद डर गए थे जिस तरीके से वो बाहर निकली थी ना, डरी सहमी हुई जिस तरह बाहर निकली थी, हम खुद डर गए थे। और जल्दी जल्दी में थी कि उसको बुला लो जल्दी कर। हमने उसे कहा, हमने कहा ब्लड की ज़रूरत है किसी चीज़, कहती ला आप लोग ब्लड लेके आए। हमने मेरे हस्बैंड ने कहा आपके पास यहाँ पे रेंज होगा ना, मेरा ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप एक है, मैं अभी ब्लड देता हूँ। ठीक है, ठीक है। लेकिन उसने कहा मेरे पास यहाँ पे इंतजाम नहीं है। अच्छा, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे इंतजाम नहीं है, आप बाहर कहीं जाएं, वहां से जाके करें। उतनी देर में जो डॉक्टर था वो अंदर से बड़ी तेजी से बाहर निकल गया, जो इनके साथ जो रेंट पे उसने बुलाया था, जिसको पे करके बुलाती है, वो फौरन से बाहर निकल गया। तो जैसे वो बाहर निकला उसी वक्त इसने लाके बच्ची हमारे हाथ में पकड़ा दी है। नहीं, एक मिनट, जब पिंकी को अंदर लेकर गई है और फिर ये बौखला के वापस बाहर आई, हाँ, कितनी देर लगी पिंकी को अंदर? तकरीबन मेरे ख्याल में 5 मिनट या 10 मिनट हुए होंगे। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन हो गया? नहीं, 5-10 मिनट लगे होंगे या 15 मिनट, क्योंकि अब इस बात को भी तकरीबन 2 साल, एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं याद, 5-10 मिनट या 15 मिनट हुए, ज्यादा टाइम नहीं गुजरा था, ज्यादा टाइम नहीं गुजरा। बाहर निकला और ये भी बाहर निकला। तो जैसे ही डॉक्टर भाई इसने बच्ची हमारे हाथ में पकड़ाई है, तो उसी वक्त ही भागी ये बाहर आई है, इसने एम्बुलेंस को कॉल करनी शुरू कर दी है। ठीक है, ठीक है। हमने इसे पूछा क्या हुआ है, इसने कहा जी उसकी हालत नहीं ठीक, बस उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। ठीक है, तो हमने उसे उधर ही पकड़ लिया। हमने कहा क्यों नहीं उसकी हालत ठीक, क्या हुआ है उसको, हमें बताओ क्या हुआ है। उसने कहा कुछ नहीं हुआ। उस टाइम हालांकि उसकी जान चली गई हुई थी, वो खत्म हो चुकी हुई थी। तो जब उसने खुद ही जो एम्बुलेंस जो उसने मंगवाई, वो एम्बुलेंस इस काबिल नहीं थी कि उसके अंदर किसी मरीज को बैठा के लेके जाया जा सके। उसके अंदर किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं था उस एम्बुलेंस, वो एक कैरी डब्बा टाइप था, मुझे नहीं पता वो एम्बुलेंस था भी के नहीं था, लिखा था बाहर नहीं, कैरी डब्बा ही था। ठीक है। हम तो खुद डरे हुए थे उस टाइम, कैरी डब्बा टाइप था ये एम्बुलेंस है जी। अंदर फौरन ऑक्सीजन भी नहीं दी, कुछ भी नहीं, उसको फौरन से उसे लेके जा रहे। जब उसे लेके तो जनरल हॉस्पिटल गए हैं, तो खुद वो साइड पे हो गई है, साथ गई थी ये, इसको मैं खींच के साथ लेके गई हूँ। ठीक है, इसको खींच के मैं साथ लेके गई हूँ। ठीक है, मैंने बच्ची को देके अपनी बहन को देके घर भेज दिया। मैं कहा तुम घर जाओ, मुझे कुछ डर लग रहा है, तुम इसे बच्ची को ले जाओ फिलहाल घर। बच्ची को हमने हॉस्पिटल वहां पे नहीं लेके जाना, बच्ची ठीक हो गई, बच्ची ठीक थी बिल्कुल। मैंने कहा बच्ची को तुम फौरन यहाँ से ले जाओ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ओके, जब हम हॉस्पिटल गए हैं तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये खत्म हो चुकी है। तो हमने डॉक्टर को कहा कि आप कोशिश करें, कुछ तो करें, कोई तो कोशिश करें। उन्होंने कहा इसकी एक आधी सांस है, इसके अलावा ये खत्म हो चुकी ही है। हमने बहुत उनके डॉक्टरों के हाथ पैर जोड़े, उनके पैर पकड़े, हमने कहा खुदा का वास्ता एक बारी बस आप लोग कोशिश तो अपनी करो। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत कोशिश की, जनरल हॉस्पिटल वालों ने अपनी हर तरह से मुमकिन कोशिश की। उन्होंने बस यही कहा कि जी आप इसको पहले क्यों नहीं हमारे पास लेके आए। ठीक है, ठीक है। तो वो उन्होंने ब्लड का अरेंज किया, सब कुछ किया। उतनी देर में ये निकलने लगी थी, लेकिन हमने इसे निकलने नहीं दिया वहाँ से। ठीक है, ठीक है। मैंने उसे कहा, मैं कहा जब तक मेरी बहन यहाँ से सही सलामत निकलती नहीं ना, तुझे मैंने यहाँ से जाने ही नहीं देना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसे हमने अपने पास ही रखा, ये वहाँ पे ही हमारे पास बैठी रही। उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया, मुझे अंदर बुलाया डॉक्टर ने, उसने मेरे से जब सारी बात पूछी, मैं कहती
अब खामोशी से जाके ना पुलिस को कॉल कर दो। डॉक्टर ने आपको डॉक्टर ने मुझे कहा उसने जनरल हॉस्पिटल के ऊपर जो लेबर रूम की जो डॉक्टर थी उसने मुझे बुला के कहा, उसने कहा खामोशी से पुलिस को कॉल कर दो, ये गलत किया जिसने भी केस किया। मैंने उसे पूछा, मैं कहा क्या हुआ है, मेरी कहते आपकी हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, आपकी बहन खत्म हो चुकी हुई है, लेकिन ये कि उसकी एक आधी सांस है वही है, सिर्फ उसी को हम चला रहे हैं, एक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बच जाए वो। फिर उन्होंने हमें कहा हम यूट्रस निकाल के देखते हैं शायद कोई बचत हो जाए। हमने कहा जो मुमकिन कोशिश आप करें बस उसे बचा दें। उन्होंने यूट्रस भी रिमूव की उसकी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ना उस टाइम मेरी हालत बहुत खराब थी, उस टाइम उन्होंने कहा कि आप इसको बुला के लाएं, इसको पकड़ के लाएं जरा अंदर, इसको तो हम तो पूछे जरा ये कौन सी, हाँ शमशा को इसको जरा पकड़ के लाएं जरा, हम पूछे जरा ये कौन सी डॉक्टर बनी पड़ी है, किसने अंदर से मेन नस ही काट दी है। कहते हैं ये इसकी जो जो एक वेन होती है, मुझे इस चीज का नहीं आइडिया, मुझे मेडिकल का नहीं पता, कहते हैं कोई एक वेन होती है वो सीधा दिमाग तक जाती है, उसने वो हर्निया के चक्र में वो वेन कट कर दी। कहते हैं वो उसी दौरान उस टाइम उसकी डेथ हो चुकी हुई थी। ठीक है, डॉक्टर्स ने उसको बोले, डॉक्टर ने कहा कि तुमने जिससे ऑपरेशन करवाया है हमें उस डॉक्टर का नाम बताओ। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख के दो। ठीक है, इसने कहा कि जी मैंने उस बंदे का नाम नहीं बताना आपको। ठीक है, उन डॉक्टर ने भी सब ने मिल के अपनी पूरी कोशिश की कि नहीं आप नाम बताओ, आपने एक बच्ची की जान ले ली है, आप नाम तो हमें बताओ कम से कम, ऐसा कौन सा डॉक्टर था जिसे पता ही नहीं चला। आप अपने घर में बैठी हो या क्लिनिक में, हमें क्या पता क्लिनिक भी है कि नहीं। ठीक है, क्या मामला है। डॉक्टर्स बहुत बोले हैं, फिर उन्होंने मुझे साइड पे करके उन्होंने कहा कि ना आप खामोशी से पुलिस को कॉल करें। ठीक है, आप कॉल करें, ये केस ना इसने खुद किया खराब, आप बुलाएं पुलिस को, हम आपके साथ हैं, हम पूरा बयान देंगे। ठीक है, कि जो कुछ हमने ऑब्जर्व किया, जो कुछ हमने देखा है, हम खुद बयान देंगे। ठीक है, हमने उसी वक्त ही नीचे थी मैंने और मेरी फ्रेंड्स थी साथ, हमने 15 पे कॉल की है, हमने उनको बुलाया साथ में नीचे, उनकी जनरल हॉस्पिटल वालों की अपनी पुलिस बैठी होती है, वो भी सारी आ गई होती है जी, वो भी सारे आ गए। उस टाइम उन्होंने जो बयान लिया उस टाइम हमने उनको सारा बता दिया। ठीक है, एक चीज उनको सरफराज, आई थिंक सरफराज नाम था उस बंदे का, मुझे अच्छे से याद है, जिसको मैंने पूरा एक एक बात बताई थी। ठीक है, तो सरफराज नाम था इंस्पेक्टर का, तो उसको जब मैंने सारी बात बताई है उस टाइम उस बंदे ने मतलब कहा कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। पुलिस वाला ये इधर है लियाकताबाद थाने का बंदा है वो। अच्छा जी, लियाकताबाद थाने का इंस्पेक्टर है वो सरफराज, उसने मुझे कहा कि बेटा परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आपकी अगर आपकी बहन नहीं रही तो हम उसे पूरा इंसाफ दिलवाएंगे। ठीक है, जब उसने कहा कि जी आप ऐसा करें, आप फिल जब मुझे नहीं पता कि उस टाइम उसने और उसके बेटे ने उसको क्या कहा, उस टाइम उसने कहा फिलहाल इसको जाने दें, हम खाली लेडीज हैं, हम इसको नहीं लेके जा सकते। किसने कहा? ये पुलिस वाले ने कहा फिलहाल शमशा को जाने दें, हम उसको वहां से जाके रेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास लेडीज पुलिस नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि लेडीज को गिरफ्तार करने के लिए लेडीज पुलिस का होना जरूरी है। मैंने इसे कहा, मैंने कहा अगर आपके पास लेडीज पुलिस नहीं है तो हम लेडीज आपके साथ बैठ के चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हम आपके साथ चलते हैं, लेकिन इसको ना जाने दें, ये अगर यहाँ से चली गई ये गायब हो जाती, कौन जिम्मेदार है? मैं कहा आप मुझे यहाँ पे लिख के दें कि आप जिम्मेदार हैं, आप इसे गिरफ्तार नहीं करेंगे तो आप जिम्मेदार अगर ये गायब होती है। ठीक है, ठीक है, फिर हम इसे जाने देते हैं यहाँ से। उसने कहा मैं लिख के नहीं दूंगा। मैं कहा फिर आप इसे यहाँ से लेके जाएंगे वरना आप भी नहीं यहाँ से जाएंगे। तो वो ठीक है, हमने कहा आप इसे इस टाइम यहाँ से लेके जाएंगे वरना आप भी नहीं यहाँ से जाएंगे और ये भी नहीं यहाँ से जाएगी। ठीक है, इस टाइम हमारा बहुत बुरा हाल है, इस टाइम ये मुझे हर सूरत इस टाइम थाने में लोगों को पीछे चाहिए, ये बंदी मुझे इस टाइम यहाँ नहीं चाहिए कहीं पे भी, ये अपने घर में सुकून से बैठे और हमारी बच्ची जो है कब्रों में चली जाए तो हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिल्कुल, उसी वक्त लेके इसको लेके गए थाने, लेके गए साथ में, उसी वक्त वो फिर उसका बेटा साथ चला गया, उनके पास लेडीज नफरी नहीं थी तो वो फिर उसका बेटा साथ चला गया, शमशा का बेटा वो गया साथ थाने, हम भी पीछे पूरी फैमिली, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे पूरा दाद का ये शहीन, हम सब के सब। और पिंकी की डेड बॉडी रिसीव किसने की? पिंकी की डेड बॉडी चली गई थी उधर सर्द खाने। ठीक हो गया, सर्द खाने चली गई थी वहाँ पे चली गई थी क्योंकि हमने केस करवाना था, उन्होंने डॉक्टर्स ने हमसे पूछ लिया था, उन्होंने कहा था आपने डेड बॉडी घर लेके जानी कि आप लोगों ने केस प्रोसीड करना है। मैंने उनको कहा था कि जाने वाली चलेगी, किसी और की बच्ची की जिंदगी ना खराब हो तो हमने इसको जाने नहीं देना, हमने केस करना है। ठीक है, उसने कहा था फिर बेहतर यही है आप इसे इस टाइम ना उधर भेज दें।
तो उस टाइम वो एम्बुलेंस में डाल के तो वो ले गए उसको, उसकी डेड बॉडी को। तो लेकिन ये कि हम जब सारे गए थाने गए तो उस टाइम उन्होंने कहा कि जी आप एप्लीकेशन लिख के दें। एप्लीकेशन के लिए हम 2-3 घंटे वेट करते रहे, किसी बंदे ने हमारी एप्लीकेशन नहीं लिखी। ठीक है, वो अंदर बैठी ही थी। फिर हमने बाहर खड़े होके हमने शोर मचाया। ठीक है, मेरी चाचियाँ थी साथ, मेरी ताई थी साथ। मेरी चाची का थोड़ा अंदर था, मतलब उनके उनका किस तरह सुनते हैं किस तरह नहीं, उनको पता था इस चीज़ का। हमने शोर मचाया, फिर मैंने उन्होंने कहा कि तुम जाके SHO के आगे पेश हो। AC के अंदर बैठाया हुआ SHO के रूम में मुलजिमा को। हाँ जी, नामजद मुलजिमा कातिला, और हम बाहर सड़कों पे खवार हो रहे। मैंने कहा सर आप इसको AC में बैठाया, इसने मेरी बहन मारी है। उसने कहा जी आप इनकी एप्लीकेशन लिखें। जब तक हमने दरख्वास्त लिखी वापस आए तो कहते SHO साहब चले गए। हमें पुलिस वाले के बंदों में से एक बंदे ने हमें साइड पे करके बताया कि SHO साहब पिछले दरवाजे से अंदर आ चुके हुए हैं, तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग या मुकमुका जो होता है वो कर लो। 6 खासे खाने अंदर जा रहे हैं। कहाँ पर? थाने के अंदर। कौन ला रहा है? वकील था कि पता नहीं कोई लड़का था, उसकी फैमिली का कोई बंदा था, वो खाने लेके जा रहा था पुलिस वालों के लिए। उन्होंने डेड बॉडी नहीं दी। नहीं दी? नहीं। क्या कहते हैं? उन्होंने मतलब कहा कि जी जब इधर कब्र खोदी हमने, इधर सब बैठे थे, उन्होंने डेड बॉडी सिर्फ इसी वजह से नहीं दी कि नहीं जी अभी कोई अदालत में जाना है, अदालत में जाएं, जाके कोई साइन वगैरह करें, उसके बाद कहीं जाके सुलह सफाइयां करें, फिर जाके डेड बॉडी मिलती है। अम्मी ने कहा मेरी बेटी की डेड बॉडी सिर्फ मुझे दे दो। हाय हाय, मैं माफ करती हूँ, मेरी बेटी की कल की कब्र खोदी ही है। AC के अंदर बैठाया हुआ SHO के रूम में मुलजिमा को। हाँ जी, नामजद मुलजिमा कातिला, और हम बाहर सड़कों पे खवार हो रहे। मैंने कहा सर आप इसको AC में बैठाया, इसने मेरी बहन मारी है। उसने कहा जी आप इनकी एप्लीकेशन लिखें। जब तक हमने दरख्वास्त लिखी वापस आए तो कहते SHO साहब चले गए। हमें पुलिस वाले के बंदों में से एक बंदे ने हमें साइड पे करके बताया कि SHO साहब पिछले दरवाजे से अंदर आ चुके हुए हैं, तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग या मुकमुका जो होता है वो कर लो। 6 खासे खाने अंदर जा रहे हैं। कहाँ पर? थाने के अंदर। कौन ला रहा है? वकील था कि पता नहीं कोई लड़का था, उसकी फैमिली का कोई बंदा था, वो खाने लेके जा रहा था पुलिस वालों के लिए। उन्होंने डेड बॉडी नहीं दी। नहीं दी? नहीं। क्या कहते हैं? उन्होंने मतलब कहा कि जी जब इधर कब्र खोदी हमने, इधर सब बैठे थे, उन्होंने डेड बॉडी सिर्फ इसी वजह से नहीं दी कि नहीं जी अभी कोई अदालत में जाना है, अदालत में जाएं, जाके कोई साइन वगैरह करें, उसके बाद कहीं जाके सुलह सफाइयां करें, फिर जाके डेड बॉडी मिलती है। अम्मी ने कहा मेरी बेटी की डेड बॉडी सिर्फ मुझे दे दो। हाय हाय, मैं माफ़ करती हूँ, मेरी बेटी की कल की कब्र खोदी ही है। मैंने फिर SHO साहब के सामने गई, मैंने उनको जाके सारी बात की। मैंने कहा सर आपने इसको आराम से बैठाया AC के अंदर। AC में बिठा दिया? उसे AC के अंदर बैठाया हुआ SHO के रूम में, वो सामने स्पून से बैठी हुई मुलजिमा को। हाँ जी, नामजद मुलजिमा उसको उन्होंने कातिला उसको उन्होंने AC में बैठाया हुआ, और हम बाहर सड़कों पे खवार हो रहे। मैंने कहा सर आप इसको AC में बैठाया, इसने मेरी बहन मारी है। एक मिनट, जो SHO का कमरा होता है उसमें AC नहीं लगा होता? उसमें लगा हुआ है। अच्छा, लगा हुआ? लगा हुआ है। नहीं एक मिनट, आप भूल रही हैं, जो SHO का कमरा होता है उसमें AC नहीं लगा होता, जो रेस्ट रूम होता है पीछे उसमें AC लगा होता है। पता नहीं हम जिस रूम में गए थे ना वो SHO का रूम था, हमें इतना पता है। चेयर्स पड़ी, टेबल्स लगी थी, SHO साहब, हाँ जी SHO साहब बैठे हुए थे, AC चल रहा था, फुल चिल माहौल था अंदर, सारे स्पून से बैठे हुए थे, और वो भी मैडम बैठी हुई थी अच्छे से। ठीक है, वो भी अच्छे से बैठी हुई थी। उसके बाद हमने काफी शोर मचाया वहाँ पे, तो उसने कहा जी आप इनकी एप्लीकेशन लिखें। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में बस एक कोई गश्त करने जा रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ वापस। एक मिनट, SHO साहब का नाम याद है आपको? नहीं, SHO साहब का नाम नहीं मुझे पता। नाम नहीं मुझे पता। अच्छा ठीक है, फिर तो कहते आप ना इनकी दरख्वास्त लिखें। ठीक है, हम दरख्वास्त लिखवाने चले गए। उस टाइम जब तक हमने दरख्वास्त लिखी वापस आए तो कहते SHO साहब चले गए। हम बैठे रहे, इतना हमने इंतजार किया लेकिन नहीं आए। फिर हमें पुलिस वाले के बंदों में से एक बंदे ने हमें साइड पे करके बताया कि SHO साहब पिछले दरवाजे से अंदर आ चुके हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है,
वो आपके सामने नहीं आना चाह रहे, पिछले दरवाजे से अंदर आ चुके हुए हैं, वो अपने ऊपर चले गए हुए हैं, ऊपर रूम में उनका कोई क्या वहाँ पे चले गए हुए हैं, ठीक है, आप लोग उनका यहाँ पे बैठना फजूल है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोग या मुकमुका जो होता है वो कर लो, फिर उतनी देर में हम देख रहे हैं कि अच्छे खासे खाने अंदर जा रहे हैं। कहाँ पर? थाने के अंदर। कौन ला रहा है? ये शमसा की जो है, वो जो एक शमसा का जो वकील था कि पता नहीं कोई लड़का था, उसकी फैमिली का कोई बंदा था, वो खाने लेके जा रहा था पुलिस वालों के लिए। ठीक है, ठीक है, पुलिस वालों के लिए खाने शाने वो लेके जाते रहे हैं। उतनी देर तक हमारी किसी ने कुछ नहीं सुनी, हम तब तक बाहर ही बैठे रहे हैं। ये अंदाजन कितने घंटे हो गए इस बात को? हमें तकरीबन उस टाइम रात के 1 या 2 बज चुके हुए थे, हम उधर ही थे, थाने के बाहर ही थे। इस इंतजार में कि एसएचओ साहब आते हैं, एसएचओ साहब, एसएचओ साहब पूरी रात ही नहीं आए, एसएचओ साहब आए नहीं, एसएचओ साहब आए ही नहीं वापस, हम वहां पे ही बैठे रहे पूरी रात, हम बैठे रहे। उसके बाद जब हमने फिर हमने थोड़ा सा ना दरवाजे से हम वॉशरूम के बहाने अंदर गए कि यही देख रहे हैं कि ये अब किधर बैठी हुई है, देखा तो वो अंदर ही बैठी ही थी। ठीक है, फिर मैंने उनके साथ बहुत बदतमीजी की, पुलिस वालों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की, मैंने उनको कहा कि जी आप इसको बाहर निकाल लें, अगर आपसे कुछ नहीं होता। जो मुदई है वो बाहर रोल रहे हैं, जो मुलजिम है वो इसी में। हमने कहा आप इसको बाहर निकाल लें, नहीं तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इसको बाहर ना निकाला फिर हम डेड बॉडी चौक पे रख के हम एहतजाज करेंगे, ठीक है, ठीक है। आपने इसको आराम से अंदर एसी में बिठाया हुआ, हम बाहर जलील हो रहे हैं, तो वो उसने एक कत्ल किया, आप उसे अंदर बैठा के बैठे हैं, ये कौन सा आपकी इंसानियत है? ठीक है, ठीक है। उसने कहा कि हम इसको निकाल लेते हैं, हमने कहा आप इसे निकाल नहीं लेते, आप इसे निकालें अभी इसी वक्त, इसे सलाखों के पीछे अभी डालें, आपने क्यों नहीं डाला हुआ इसे बाहर? तो आपने उसको अंदर एसएचओ के रूम में बिठाया, वो नवाब की बच्ची है जिसको आपने एसएचओ के कमरे, या वो बहुत बड़ी कोई नेकी करके आई है, ठीक है। तो उसी टाइम उन्होंने फिर उसको निकाला है, उसको वहां से निकाला है, और निकाल के तो उन्होंने वो जो सलाखें थी, वो जो हवाला वहां पे उन्होंने बिठा दिया उसको, ठीक है। ये इसी तरह हमारी पूरी रात गुजरी है, ठीक है। फिर एफआईआर कब दर्ज हुई? FIR दर्ज हुई नहीं थी बेसिकली, FIR दर्ज हुई ही नहीं थी, FIR के चक्रों में हम बैठे रहे पूरी रात। सुबह अजानों का टाइम हुआ है तो जो शहीन के जो बड़े भाई हैं मेरे अंकल जो हैं, इनको उन्होंने बुलाया अंदर थाने के अंदर, ये अंदर गए हैं, इनकी कोई बातचीत हुई है, वो मुझे नहीं पता क्या बात हुई है क्या नहीं हुई। उस टाइम उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की है, उस टाइम उन्होंने बात की है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही जिस टाइम अजानें ख़त्म हुई हैं शहीन है, शहीन ने कहा कि ना बाजी ये तो बड़ा, मैं तो खुद गरीब बंदा हूँ, जाने वो पिंकी तो चली गई, मैं या तो थाने कचहरियों के जे अभी पूरी रात नहीं, पूरी रात हम बाहर बैठे रहे तो इन्होंने हमारी किसी ने नहीं सुनी, तो पूरी जिंदगी भी हम जलील होंगे, इन्होंने हमारी नहीं सुनी बाजी, ठीक है। तो मैं या तो थाने कचहरी के चक्कर काटूंगा, तो या तो मैं इधर बच्चों को कमा के दे सकूंगा, ठीक है, तो इससे बेहतर है मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैं इसको माफ कर देता हूँ। ओहो, उस टाइम फिर जब उसका मियाँ जो था उसी ने कह दिया, फिर उसके बाद वो पुलिस वाले ने कहा वो मुद्दई है, ठीक है, उसने कह दिया बात खत्म। पुलिस वाले तो पहले ही इसी इंतजार में थे, पुलिस वाले तो पहले ही इसी इंतजार में बैठे थे किसी तरह, लेकिन एक बंदा इनका टूट जाए। आईजी साहब ने ये कहा है कि किसी किस्म का कोई भी मसला हो जाए, ये क्लियरली उनकी स्टेटमेंट है, तो फौरन से एफआईआर का अंदराज अमल में लाना चाहिए, यानी एफआईआर काटनी चाहिए। सारी शाम सारी रात अगला दिन एफआईआर नहीं है, और एफआईआर भी 302 की होनी चाहिए थी ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर लेकिन नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई है उस टाइम। उसके बाद इन्होंने मतलब वापिस आ गए थे हम लोग ना, मतलब अपने ही हम टेंशन में थे, वापिस आ गए हम लोग। उन्होंने मतलब कहा कि जी जब इधर कब्र खोदी हमने, इधर सब बैठे थे, उन्होंने डेड बॉडी सिर्फ इसी वजह से नहीं दी कि नहीं जी अभी कोई अदालत में जाना है, अदालत में जाएं, जाके कोई साइन वगैरह करें, उसके बाद कहीं जाके सुलह सफाइयां करें, फिर जाके डेड बॉडी मिलती है। ये किसने कहा? ये पुलिस वालों ने कहा, और ये साथ में इधर ये मेरी चाची वगैरह ने कहा ना कि क्योंकि उन्होंने कहा कि जी इस तरह डेड हाउस में, उन्होंने कहा तब तक वहां से नहीं मिल सकती, ठीक है, ठीक है। वो एक दिन वैसे का वैसे वो भी गुजर गया, फिर
अगले दिन हम लोगों ने उसकी वो डेड बॉडी हमने मंगवाई। फिर ये अम्मी वगैरह सारे ये लोग अदालत गए हैं, जाके अम्मी ने कहा मेरी बेटी की डेड बॉडी सिर्फ मुझे दे दो, मैं माफ करती हूँ, मेरी बेटी की कल की कब्र खुदी ही है, क्या क्या कहें हम आपको, वो तो चली गई है, उसने मार दिया, वो सुकून से बैठी ही है, तो हमें कहीं पे तो जीने दो आप लोग। तो तब जाके उन्होंने कहा कि जी आप ये सुलह पे साइन कर दें, ये तो फिर जबरदस्ती वाली सुलह पे आप साइन कर दें तो आपको डेड बॉडी आपको मिल जाएगी। ये सुलह पे साइन किए हैं अम्मी गरा ने, कहा ये अदालत वालों ने। अच्छा, तो उधर उन्होंने साइन किए हैं सबने, साइन करके तो फिर हमें डेड बॉडी मिली है। ये तो जबरदस्ती वाली सुलह हुई। और मैं आपको इस डॉक्टर का भी बताती हूँ, मैंने अपनी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन की है ना, बताएं। मैं आपको बताती हूँ वो डॉक्टर कौन है जो इसके साथ मिल के सारे काम कर रहा है। बताइए। वो रुपया क्लिनिक का डॉक्टर है, डॉक्टर इरफान। ठीक है, ठीक है। वो डॉक्टर इरफान है, वो ये अकबर शहीद कब्रस्तान है ना, जो उसके बिल्कुल सामने रुकैया क्लिनिक। ठीक है, वहाँ पे मेन पे वो बंदा बैठता है डॉक्टर इरफान, क्योंकि उस टाइम मैं उसके पास किसी बहाने से मैं अंदर गई थी। ठीक है, मैं सिर्फ ये देखने के लिए गई थी कि क्या ये वही है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद था जब वो अंदर से निकला था ना, मैंने उसको देखा था। ठीक है, अंदर जाते हुए भी देखा था, अंदर से निकलते हुए भी देखा था। एनेस्थीसिया देने गया था वो बंदा, वही बंदा सबको एनेस्थीसिया भी देता है, वही कट लगाता है, डॉक्टर इरफान। ओके, और ये होते हैं रुकैया क्लिनिक पे, रुकैया क्लिनिक पे जो अकबर शहीद के सामने है। ओके, ठीक है। उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत नहीं थी ठीक, मैं फौरन मैं इसके पास गई, मैंने इसे कहा कि ना मेरा बीपी चेक कर दें। इसने शायद मुझे पहचान लिया कि क्या, इसने कहा मेरा बीपी ऑपरेटस नहीं ठीक। मैं कहा जब बीपी ऑपरेटस नहीं ठीक तो यहाँ पे लेने क्या बैठे हो। ठीक है, मैं कहा जब लोगों की बच्चियां मारते तब नहीं तुम्हें पता होता। ठीक है, कहता क्या मतलब आपका। तो मैंने कहा याद आया तुम्हें कुछ, मैं कहा मैं उसी की बहन हूँ जिसको तुम मार के आई हो। फौरन से बाहर निकला तो जाके ना कहता इसको को चले चले चले, बीपी ऑपरेटर्स नहीं है। मैं कहा इसी तरह, मैं कहा जब हाथ में हाथ पल्ले कुछ नहीं ना आता तो जाके लोगों के ऑपरेशन भी ऐसे ही करके आते हो तुम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास बीपी ऑपरेटर्स नहीं है। अच्छा, अब डॉक्टर इरफान जो है वो जाते हैं शमसा के पास और ये मिलके ये काम करते हैं, मिलके ये काम करते हैं पैसे के पीछे। ओके, जब ये सारा मामला हुआ तो शमसा फिर जाहिर है ना पर्चा हुआ, सुलह पहले दबाव डाल के कर ली गई तो फिर जेल तो गई नहीं, जेल नहीं गई है। ठीक है, फिर क्लिनिक उसी तरह से चलता रहा, क्लिनिक बिल्कुल उसी तरह से चलता रहा। हाँ जी बिल्कुल, क्लिनिक उसी तरह चलता रहा। ठीक है, और फिर अब कोई नया वकुआ भी सामने आया हुआ इसी तरह जी, हमारे एरिया का ही है ये, हमारे एरिया का ही है। एक बच्ची की भी डेथ हुई है, साथ में उस लड़की की भी सेम उसी तरह, उसकी भी वेन उसी तरह कटिंग कट दी है, तो उसकी भी उसी मौके पे डेथ हो गई, इसी सेक्शन के दौरान ही। अच्छा, माँ की और बच्ची की दोनों की डेथ हुई है। ठीक है, तो अब की दफा तो मैंने सुना है कि मुलजिमान को पकड़ लिया गया है, इस चीज का मुझे नहीं पता, नहीं पता आपको इस चीज का, आपका कोई मुतालिबा है अभी। मेरा तो बस यही है कि जितना हो सके उसे कड़ी से कड़ी सजा दें, सजा दें, और किसी और की बच्ची ना निशाना बने। बेशक सारी बात मेरी बहन गई है, माँ बाप ने अगर दबाव में आके सुलह कर ली है तो ना की होती तो आज किसी और की बच्ची ना जाती। बिल्कुल, अगर स्टैंड आज किसी और की बच्ची ना जाती, हमने तो इसी वजह से उस दिन भाग दौड़ करके तो किसी तरह इसको अंदर पकड़वाया था। मैं हैरान हूँ कि थाने में आप लोग बाहर बैठे रहे हैं और थाने वाले बात ही नहीं सुन रहे। मैम सारा पैसे का खेल है, वो अंदर बैठी पैसा चला रही थी और हम इतने जोगे नहीं है कि हम इतना पैसा चला सके। वो पैसा खिलाती जा रही थी तो अंदर बैठ के उसको तो ऐसे सारे सुन रहे थे जिस तरह उसके ही सारे गुलाम है। ठीक है, पिंकी के शौहर भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। 2022 में निमरा की मौत से शुरू होने वाली कहानी आखिरकार 2024 में सोनिया की मौत पर जाकर इख्तिताम पजीर हो गई। इस पेशा वराना सलाहियत से मौजूदा SHO लियाकत आबाद इमरान ने मरकजी मुलजिमा शमसा समेत 4 रुकनी जाली डॉक्टरों का ग्रोह गिरफ्तार करके मुलजिमान के गिट मजबूत कानूनी शिकंजा बनाया। काश यही काम 2022 में भी उस वक्त के SHO ने किया होता तो आज एक और हमला औरत अपनी जान की बाजी ना हारती। एक दो दिन पहले मुझे किसी ने कहा भी था यहाँ पे केस मत करवाएं, यहाँ पे ये डॉक्टर अच्छी नहीं है। बेटी मेरे हाथ में थी,
थोड़ी देर में जैसे ऐसे कर रहे थे जैसे थप्पड़ मार के किसी को उठाते नहीं है। अच्छा, ऐसे आवाजें आ रही थी, उसे उठा रहे थे। पिंकी होश में आओ, मैं बाजी को कहा, बाजी देखे, मैं तो नहीं जा सकता। बाजी को मैंने कहा, मैं बाजी देखे क्या हुआ। बाजी ने डॉक्टरों से पूछा, वो कोई जवाब नहीं थे दे रहे। मैं उसे आवाज भी दी थी लेकिन होश वो बिल्कुल नहीं, जैसे जिससे मैं जान ही नहीं है। डॉक्टर वाला ने हॉस्पिटल वाले ने फिर जवाब दे दिया था, कुछ भी नहीं कर सकते। मैया को देख के जाहिर है उसकी माँ की वो सारी फिल्म, वो सारा वाकया याद आ जाता होगा, या सबर आ गया है? नहीं, अभी भी जब बेटी को पकड़ता हूँ तो सब कुछ याद आ जाता है। याद आता है मुझे। एक दो दिन पहले मुझे किसी ने कहा भी था, यहाँ पे केस मत करवाएं, यहाँ पे ये डॉक्टर अच्छी नहीं है। बेटी मेरे हाथ में थी तो थोड़ी देर में जैसे ऐसे कर रहे थे जैसे थप्पड़ मार के किसी को उठाते नहीं है। अच्छा, ऐसे आवाजें आ रही थी, उसे उठा रहे थे। पिंकी होश में आओ, मैं बाजी को कहा, बाजी देखे, मैं तो नहीं जा सकता। बाजी को मैंने कहा, मैं बाजी देखे क्या हुआ। बाजी ने डॉक्टरों से पूछा, वो कोई जवाब नहीं थे दे रहे। मैं उसे आवाज भी दी थी लेकिन होश वो बिल्कुल नहीं, जैसे जिससे मैं जान ही नहीं है। डॉक्टर वाला ने हॉस्पिटल वाले ने फिर जवाब दे दिया था, कुछ भी नहीं कर सकते। मैया को देख के जाहिर है उसकी माँ की वो सारी फिल्म, वो सारा वाकया याद आ जाता होगा, या सबर आ गया है? नहीं, अभी भी जब बेटी को पकड़ता हूँ तो सब कुछ याद आ जाता है। शाहीन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि पिंकी के शौहर हैं। शाहीन से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है जी, शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके तीन बच्चे हैं? जी। दो बेटे और एक अल्लाह ताला ने बेटी दी आपको। जी। क्या हुआ था पिंकी के साथ, जरा मुझे थोड़ा सा बताएंगे? और पिछले दो बच्चे जो बेटे हैं, वो अल्लाह ताला ने जो रहमत आपको दी, वो कहाँ पर पैदा हुए थे? वो जिना हॉस्पिटल में हुए थे। दोनों बेटे? जी दोनों। अच्छा, ठीक है ठीक है। और अब की दफा जिना क्यों नहीं गए आप? मतलब घर वालों ने, वाइफ मेरी ने कहा था, हम सेपरेट रहते थे दादा, तो इसलिए कह रहे थे ये पास क्लिनिक है, वहाँ से करवा लेते हैं। अच्छा, तो मैंने पहले कहा था जहाँ से बाहर से पहले हुए मेरे बेटे हुए हैं, तो वहाँ से ही करवा लेते हैं। तो वहाँ पे ये गए हैं, कह नहीं मैंने घर के पास ही कराना है, ठीक है मेरे पास कोई भी नहीं है, चलो आप मेरे पास होंगे। ओके, तो मैं फिर ठीक है, वो मैंने हाँ कर दी, तो मैं कोई बात नहीं है, तुम यहाँ से ही करवा लो। ठीक है, क्यों लहरा रहते थे उस साल, कोई है नहीं था, वैसे भाभी वगैरह हैं लेकिन वो हम लहरा रहते थे। आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा ठीक है, अपना रिक्शा है? जी अपना, मेरा रिक्शा। ठीक हो गया जी, तो ऑटो चलाते थे, तो इसलिए हमने ये पास यहाँ पे नज़दीक था, इसलिए हमने यहाँ पे कर लिया था। ठीक है, जब यहाँ पे चेकअप वगैरह ये जाके करवाते रहे हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते रहे हैं, तो जैसे केस से एक दो दिन पहले मुझे किसी ने कहा भी था, यहाँ पे केस मत करवाएं, यहाँ पे ये डॉक्टर अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपनी वाइफ को बताया था, कहते नहीं पहले भी यहाँ से हुआ हुआ है, हम चेकअप करवाते रहे, हमारे रिश्तेदारों में हुआ हुआ है। ठीक है, तो अल्लाह ने बेहतर किया, ठीक हुआ था। तो मैंने फिर कोई बात नहीं की, मैं ठीक है करवा ले। ठीक है, तो जब इन्हें के हम लास्ट टाइम इसी घर में ही था मैं, तो सुबह के टाइम इन्होंने भी बताया, तो ये पेन हो रही है, हमने जाना है डॉक्टर के पास। ठीक हो गया, तो मैंने को डॉक्टर के पास लेके गया, वहाँ पे आशा शमशा क्लिनिक के पास। ठीक है, तो ये उन्होंने अंदर जाके, उन्होंने बाजी सुबह बाजी ने मेरी फीस जमा करवाई, उन्होंने पैसे दिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहले बताया हुआ था ब्लड वगैरह का अरेंज करके रखना, ये क्लिनिक वालों ने बताया था? जी बताया था, ब्लड का अरेंज करके रखना। कितनी बोतलों का? एक बोतल का। ठीक है, तो मेरे जो बड़ा सांडू है मेरा, रफान उनका नाम है, तो उसका ब्लड सेम था। ठीक है, पहले भी मेरी वाइफ को लग चुका हुआ उसका, तो उन्होंने कहा अरेंज करके रखना। तो मैंने इरफान भाई को साथ ले गया था, मेरे साथ मेरी दोनों बड़ी छोटी बड़ी साली भी थी, छोटी भी थी। ठीक है, तो अंदर के लिए तो उन्होंने मुझे पहले बाहर भेजा मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, अब मेडिसिन वगैरह को ला के मैंने दी है, तो बाद में फिर कुछ ये अंदर चले गए, मुझे ज़्यादा ले के साइन करवा के अंदर ले गए, तो मैं बाहर बच्चे के लिए बाजी ने मुझे कहा दूध वगैरह जो वगैरह ले आए, तो वो मैं लेने गया, वापस आया तो मुझे ये पता चला बेटी हुई है। ठीक है, तो मैं उस टाइम खुश हुआ, मेरा अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अदा की है। हाँ। तो ख्वाहिश भी बेटी की थी? हाँ जी, इंशाल्लाह ख्वाहिश भी बेटी की थी मुझे। ठीक है, तो मैं खुश था, तो बेटी मेरे हाथ में थी, तो
थोड़ी देर में जैसे ऐसे कर रहे थे जैसे थप्पड़ मार के किसी को उठाते नहीं है। अच्छा। ऐसे आवाजें आ रही थी उसे उठा रहे थे पिंकी होश में आओ। अच्छा। तो बाजी मेरे साथ बाजी भी परेशान हो गए, हम भी तो देख क्या हो रहा है ऐसे क्यों उठा रहे हैं। आवाजें आ रही थी थप्पड़ जैसे इंसान किसी को थप्पड़ मारता ना ऐसे आवाजें आ रही थी। अच्छा। होश करो। तो मैं बाजी को कहा बाजी देखे मैं तो नींद जा सकता बाजी को, मैंने कहा मैं बाजी देखे क्या हुआ, बाजी ने डॉक्टरों से पूछा वो कोई जवाब नहीं थे दे रहे। और एनेस्थीसिया जब दिया होता है तो उस टाइम आप क्या होश दिला रहे हैं, वो तो जाहिर है जब आप सी सेक्शन करते हैं, जो हमने लोगों को देखा है उसमें सी सेक्शन में तो काफी घंटों के बाद होश आती है, ऐसा नहीं होता कि उसी टाइम ही होश दिलानी शुरू कर दो, ये तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि आपको आइडिया ही नहीं है मेडिकल का। तो इनसे ये भागदौड़ में लग गए हैं, तो इन्होंने बाहर से कोई गाड़ी मंगवाई है, वो एम्बुलेंस नहीं थी लेकिन अंदर ऐसी तरह जैसे था जैसे एम्बुलेंस है, ठीक है, अंदर वो गाड़ी वो जो सा अंदर वो सीजन पंप होता है वो भी ना था, वो गाड़ी में नहीं था, कुछ भी नहीं था, इन्होंने आम कैरी डब्बा था। हाँ, आम कैरी डब्बा था, तो इन्होंने अपने पास से वो कोई पंप दिया था कुछ करने के लिए, तो वो मैं साथ बैठा हुआ था, मैं कुछ कर रहा था। अच्छा। तो वो ये हम भी जनरल हॉस्पिटल ले गए हैं, होश नहीं थी उस टाइम, होश में नहीं बिल्कुल नहीं थी, उसको बुला रहे थे आप, कोशिश कर रहे थे, मैं उसे आवाज भी दी थी लेकिन होश वो बिल्कुल नहीं, जैसे जिस समय जान ही नहीं है, ठीक है। जनरल हॉस्पिटल लेके गए हैं, डॉक्टरों ने चेक वगैरह किया, तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं, उन्होंने सारी चेक किए, तो मुझे तो इतना इलम नहीं था, बाजी से बात करते रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा पहले ब्लड की अब एक बोतल भी ब्लड की लगा देते ना शायद ये फिर भी बच जाती, बच जाती। कोई 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 नर्व्स इनके अंदर कोई काटी गई है, हाँ। उनके लिए ब्लड इनका सब जाया हो चुका, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा। तो फिर भी उन्होंने वहाँ से कोई 14-15 बोतल खून की ब्लड की रेंज की है, तो उन्होंने लगाई है जनरल वालों ने। अच्छा। उन्होंने 14-15 बोतलें रेंज की है, कुछ मैंने अपना भी दिया, अपना देकर चेंज करवाया, काफ़ी लड़कों को मेरे दोस्तों को बुलाया, रेंज करवाया, लेकिन जितनी कोशिश हो सकी हमने की है, लेकिन डॉक्टर वाला ने हॉस्पिटल वाले ने फिर जवाब दे दिया था हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। फिर उसके बाद हम भाजी उन्होंने पुलिस वाले में फ़ोन किया तो 15 पे पुलिस आई है। पुलिस के रवैये के बारे में बताओ भाई, पुलिस का रवैया कैसा था उस टाइम? उस टाइम मैं अपनी जोर नहीं ये बोल सकता, मैं खुद अपने होश में नहीं था, मैं ज़्यादा मुझे इसकी चीज़ का पता नहीं है, क्यों मैं साइड पे था, घर वाले मुझे देख रहे थे, तो मुझे अपने बच्चों की परवरिश थी, मैं बच्चे अपने देख रहा था, तो इसलिए मैं पुलिस के बारे में नहीं हुआ। बड़े भाई होने या बाजी उन्होंने बात वगैरह की है, मुझे तो उस टाइम खुद नहीं था पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कैसे कर रहा हूँ। थाने गए हैं, थाने सारी रात हम बाहर बैठे रहे हैं, शोर काफ़ी किया लेकिन उन्होंने किसी भी नहीं सुनी, बाहर से खाने ला के अंदर से खिलाते रहे हैं, बाहर से खाने आ रहे हैं पुलिस वाले लोग के लिए, लियाकताबाद थाने की बात हो रही है, तो वो पुलिस वाले के लिए अंदर खाने आ रहे हैं बाहर से, उन्होंने पुलिस वाले को इतने पैसे खिला दिए थे वो हमारी बात सुनी नहीं थी जा रही, तो फिर मैंने खुद रिएक्शन लिया था, मैंने कहा जब इन्होंने रात में 4-5 लाख रुपया पुलिस वालों को खिला दिया है तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जब अपने बच्चों को पालूंगा या केस करूंगा, इसलिए मैंने अपनी अम्मी से बात की थी, अम्मी ने कहा बेटा इतनी हमारी आमदनी नहीं है जो उसके पास पैसा है, वो पैसा रात में उसने 4-5 लाख रुपए अंदर लगा दिया है, तो वो सुबह और भी लगा लेगी, थी हमारे पास इतने भी नहीं है, एक टाइम के भी लगा लें, तो फिर अम्मी ने कहा था बेटा आप अल्लाह के आशीष से माफ़ कर दो, मैंने फिर उसको माफ़ कर दिया था। अब क्या ताज़ा क्या खबर है, अब भी कुछ हुआ है आज की? अभी मुझे थोड़े दिन पहले पता चला है कुछ सोनिया नाम की लड़की इसकी से डेथ हुई है, ठीक है, उसको अरेस्ट किया हुआ है मुलजिमा को, यानी डॉक्टर शमशा को, डॉक्टर शमशा को के साथ जो साथ जो तीन और डॉक्टर थे उन्होंने भी इन्होंने पकड़ा हुआ है पुलिस वालों ने, ठीक है, हवालात में बंद है, ठीक है। वो बेटी कहाँ है जो पैदा हुई थी? बेटी मेरे पास मेरी भतीजी के पास है, उसके औलाद नहीं थी तो मैंने बेटी उसे दे दी हुई है। क्या नाम है बेटी का? अनाया फातिमा। अनाया को मिलने जाते हो? जी जाते हैं। कितनी देर बाद जाते हो? जाते हैं 2-3 हफ्ते बाद या खुद ही आ जाते हैं वो, यहाँ चले जाते हैं। ठीक से रखी हुई है अनाया? हाँ जी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी केयर करते हैं उनकी। अनाया को देख के जाहिर है उसकी माँ की वो सारी फिल्म वो सारा वाकया याद आ जाता होगा, या सबर आ गया है? नहीं अभी भी जब बेटी को पकड़ता हूँ तो सब कुछ याद आ जाता है मुझे।
कि मेरे साथ थाने में क्या हुआ। मैं रोजाना जब घर जाता हूँ तो जब भी याद आता है मेरे बच्चे घर अकेले हैं। बीवी नहीं है, कौन संभाले बच्चों को? मेरा बेटा अभी भी किसी टाइम कह देता पापा मम्मा के कब्र पे ले जो। अच्छा, बड़े बेटे को मुझे पता है, छोटे बेटे को इतना नहीं पता, बड़े बेटे को पता है। वो अक्सर वो उसको मामा की याद आती है। जाहिर है। कितनी एज है बेटों की? बड़े बेटे की अब असली की 8 साल है और छोटे बेटे की? छोटे की 5 साल। 5 साल वाले को इतना नहीं आइडिया होगा ना, ज्यादा छोटा है। वो तो बहुत छोटा है। वो कहता है मामा की कब्र पे ले जाओ। बड़ा बेटा वो अक्सर वो कहता है मैंने मामा की कब्र पे जाना है, मुझे मामा की याद आ रही है। फिर आप लेकर जाते हैं? जी, जुम्मे के जुम्मे हम जाते हैं ना कब्रिस्तान जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बच्चों का साथ नहीं लेकर जाता, खुद ही जाता हूँ। लेकिन जब ज़्यादा तंग करते तो फिर मैं बड़े बेटे को ले जाता हूँ। छोटे को नहीं? छोटे को नहीं लेकर जाता। डर जाता है? हाँ जी, छोटा डरता नहीं। डर जाता है? डर जाता है छोटा। फिर भी मैं जब उसकी मामा भी रहती तो कब्रिस्तान के पास, वैसे भी अपने बच्चों को गुजरने नहीं देती। क्या कहती थी? नहीं, कब्रिस्तान के पास से नहीं गुजारती, बच्चे डर जाएंगे। बच्चे डर जाएंगे? इतना प्यार से पिंकी ने रखा हुआ था बच्चों को। जाहिर है, माँ जो हुई, माँ तो अपने बच्चों को फूलों की तरह रखती है ना, और फिर उसी कब्रिस्तान में खुद चले गई। जी, इसलिए आप उसके बेटे को लेकर नहीं जाते, क्योंकि पिंकी नहीं जाने देती थी। जी, कोई मुतालबा है, कुछ कहना चाहते हो? मैं क्या पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रही है। इतना जुल्म हुआ है आप लोगों के साथ, इतना जुल्म हुआ। पहले हॉस्पिटल में जुल्म हुआ, शमशा के क्लिनिक पर जुल्म हुआ। ये शमशा के क्लिनिक का नाम क्या है? शमशा क्लिनिक है। शमशा क्लिनिक नाम है, जरा एड्रेस कंप्लीट बताएं। ये अकबशीर रोड पे, ये अकबशीर कब्रिस्तान के पास ही किसका क्लिनिक है, वहाँ अकबशीर चौक कहलाता है, वहाँ पे इसकी ये शमशा क्लिनिक है। शमशा क्लिनिक? शमशा क्लिनिक है। वहाँ पे जुल्म हुआ, फिर थाने में जुल्म हुआ, और अब फिर से केस एक रिपीट हुआ जिसमें शमशा जो अपने आप को डॉक्टर कहती हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, साथ उनकी बाकी की टीम, बाकी के लोग जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। अब अल्लाह हुकाम, जाहिर है आपकी बात सुन रहे हैं, एक तो आप मजदूर आदमी हैं, जाहिर है आपके पास खाने को खुला नहीं है कि आप मजे से बैठ के बच्चों की परवरिश करें और खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। आपने मजदूरी भी करनी है, आपने माँ बन के अपने बेटों को भी देखना है, आपने बाप बन के बाहर से कमा के भी लाना है। तो जिंदगी अजीरन हुई असल में आपकी। हर शख्स अफसोस करके शाहीन अपने अपने घर चला गया होगा, सबको दुख है। मैं नहीं कहती दुख नहीं है, बहन भी रोई, भाई भी रोया, वालदैन भी रोए, आज तक रोते होंगे। लेकिन जो रोजाना चक्की पिस रही है ना, वो आपकी पिस रही है, ऐसे ही है जी। जब सुबह काम पर जाते हो तो दोनों बेटों को कौन देखता है पीछे? सुबह के टाइम जाते हुए मैं उनको खाना वगैरह, दादो भी हैं, उनकी दादो भी केयर करती हैं, लेकिन जाते हुए बच्चों को नहलाना, उनको कपड़े चेंज करवाने, वो मैं करवा के जाता हूँ। दोनों बच्चों को? दोनों बेटों को। अच्छा, सुबह बेटे को स्कूल छोड़ कर आता हूँ, लेकर आता हूँ, तो आगे भी थोड़ा छोटे को खाना वगैरह खिला के तो फिर मैं काम पे जाता हूँ। फिर अम्मी वापस कब आते हो? रात को आता हूँ 9-10 बजे 11 बजे के करीब। पूरा दिन बच्चों से फोन पे? बेटे, बड़ा बेटा जब ज़्यादा वो उसको होता है तो वो मुझे कॉल करता है, बात करता है मुझसे। सारा दिन पीछे से दादो संभालती? हाँ जी, दादो संभालती। मुतमईन हो? हाँ जी दादो, मेरी वाली अच्छी हैं, संभाल लेती हैं। हाँ जी, वो मतलब सेहतमंद है? नहीं, बुजुर्ग हैं लेकिन काफ़ी केयर करते हैं वो। तो मैं भी अगर थोड़ा सा उनको डांट भी दूँ, शरारते करते हैं तो डांट दूँ तो वो मुझे डांटते हैं, उनको डांटना नहीं है। अम्मी क्या कहती हैं सारे स्नैरियो में? मतलब अम्मी की बहू इस दुनिया से चले गई, अम्मी की जो नस्ल है वो, जाहिर है माँ के बगैर बच्चे जो हैं वो सही से नहीं पलते, तो वो भी प्रॉब्लम में है। आप बाहर मजदूरी करते हो, तो अम्मी क्या कहती हैं? अम्मी तो भी रोती हैं, तो अभी बच्चे छोटे हैं तो अल्लाह ताला ने पहले ही बुला लिया है, लेकिन वो कहते हैं जो भी है, जो माँ प्यार कर सकती है वो हम नहीं कर सकते, जो देखभाल करनी है, जो बच्चों को तबीयत देनी है वो माँ ने देनी होती है। बाप तो काम पे चला जाता है, बाप ने कमा के ला देती है दूसरी शादी का। वो तो कहते हैं दूसरी शादी कर लें। मैं किसी टाइम मैं नहीं खुद मानता, मैं कहता हूँ दूसरी जो आएगी उसको बच्चों की अच्छी देखभाल करेगी या माँ समझ के उनको प्यार करेगी कि नहीं, ये तो एक सवालिया निशान है ना। छोटी तो है ही नहीं है जी। जाहिर है वो बच्चे
पिंकी के हैं, जो आएगी वो माँ बन के थोड़ी पालेगी जी। बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिसमें माँ बन के पालती भी हैं, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। तो क्या सोचा फिर? कुछ नहीं, जो अल्लाह ताला का मंजूर है वैसे लगे। मैं अपने बेटों की कमी तो आने तो नहीं देता, लेकिन माँ की कमी तो नहीं पूरी कर सकता, लेकिन अपनी तरफ पूरी कोशिश करता हूँ, अपने बेटों की कोई हर ख्वाहिश उनकी पूरी करता हूँ। ठीक जनाबे वाला, आला हुकाम तक आवाज पहुंचाने का मकसद ये है कि इमरान साहब, जिन्होंने अपने काम को बड़े आसान अंदाज में सर अंजाम दिया, मुल्जमान को अपनी गिरफ्त में लिया और मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, इसी तरह से 2022 में ये काम हुआ होता तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। इसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट के वो लोग जिनको तायुनात किया है उन कुर्सियों के ऊपर, जो जाली डॉक्टर्स को पकड़ते हैं, जो उन लोगों को पकड़ते हैं जिनके पास असनाद नहीं है लेकिन वो क्लिनिक्स खोल कर बैठे हैं, इनको सील करें। अगर वो अपना काम प्रॉपर अंदाज में करते तो शायद इस तरह से लड़कियों की जाने ना जाती। ये खातून साल में एक दो मरतबा ये काम करती है, थाने जाती है, बाहर आ जाती है, या तो कोई पुलिस वाला बिक जाता है, और अगर कोई पुलिस वाला बिकने वाला नहीं होता तो फिर वो ये केस है जिसमें इसको गिरफ्त में ले लिया जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि वो अपने इलाके में ये तमाम चीजें देखें, जिन जिन इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी है कि कहाँ पर कौन इलीगल क्लिनिक खोल कर बैठा है, कौन क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है जिन्होंने ये क्लिनिक खोल रखे हैं और अपनी जेबें गर्म करने के लिए मासूम लड़कियों की जानों से खेलते हैं। इसके साथ ही अपनी मेजबान तमीना शेख को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।